तो भाई सीन ये है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि मिली मूवी हेलन मूवी की रीमेक है, और हम ये भी जानते हैं कि हेलन मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बनी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टोरी है कि एक लड़की 5 घंटे तक -18 डिग्री सेल्सियस में फंस गई थी, ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो भाई मिली मूवी के ट्रेलर को देखकर मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो मैं हेलन मूवी देखना चाहता था। लेकिन ये मूवी अमेजोन पे अवेलेबल तो है, लेकिन सिर्फ US सिटीजन के लिए। इस चीज का क्या मतलब बनता है ये तो पता नहीं। तो भाई मूवी तो हम नहीं देख पाए, तो फिर हमने ढूंढने की कोशिश करी ये रियल लाइफ स्टोरी क्या है, और हमें एक आर्टिकल दिख गया। उस आर्टिकल के हिसाब से ये स्टोरी इंडिया की है ही नहीं, बल्कि ये स्टोरी आउट ऑफ इंडिया की है। तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक लड़की होती है जिसे अपने देश से बाहर जाकर पढ़ना होता है, और उसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। यहाँ तक कि वो एक फूड चेन में काम भी करने लग जाती है, जहाँ पर उसका मेन काम होता है मीट की क्वालिटी को चेक करना। मीट जनरली फ्रीजर में रखा रहता है। तो एक दिन ये होता है कि ऑफिस के सारे लोग अपनी शिफ्ट को ऑफ कर सिग्नेचर कर रहे होते हैं, मतलब वो अटेंडेंस के लिए। लेकिन उसी पे उनका मैनेजर आ जाता है और उन सब पे चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि एक कस्टमर ने कंप्लेंट करी होती है फूड की क्वालिटी को लेकर। तो मैनेजर के डांटने से सारे लोग अपने काम पर वापस लग जाते हैं, और उसी दिन मीट्स के नए पैकेट आए होते हैं जिसको वो लड़की मॉर्निंग में चेक करने वाली होती है। लेकिन मैनेजर की डांट की वजह से वो रात में ही उन्हें चेक करने लग जाती है। तो वो अकेली लड़की फ्रिज के अंदर काम कर रही होती है और बाकी सारा स्टाफ फ्रिज के बाहर काम कर रहा होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है, सारा स्टाफ अपने अपने घर चले जाता है, लेकिन वो लड़की फ्रीजर में अकेले सारे मीट्स को चेक कर रही होती है। जब मैनेजर को कोई भी स्टाफ नहीं दिख रहा होता, तो वो सारी चीजों को बंद कर खुद भी चला जाता है। अब सीन ये है कि जो फ्रीजर होता है वो सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है, और जब सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है तब उस फ्रीजर का टेम्परेचर ग्रेजुअली कम हो रहा होता है। तो जिस वक्त वो लड़की उस फ्रीजर में गई थी, उस टाइम पे टेम्परेचर -12 डिग्री था। तो जैसे ही वो टेम्परेचर -13 डिग्री पे पहुंच जाता है, वो लड़की समझ जाती है कि मैं फ्रीजर में फंस गई हूं। तो वो गेट पर चिल्ला रही होती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। और दूसरी तरफ उसके घर वाले उसको ढूंढकर परेशान हो रहे होते हैं। उसके परिवार वाले पुलिस के पास भी जाते हैं, और ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन लास्ट में पुलिस वाले उसी फूड कोर्ट में आ जाते हैं जहाँ पे वो फूड चेन होती है, और वहाँ के गार्ड से पूछते हैं उस लड़की के बारे में। अब उस गार्ड का सीन ये होता है कि वो लड़की डेली आते और जाते उसको हेलो और बाय करती थी। लेकिन गार्ड को याद आता है कि आज उस लड़की ने सिर्फ हेलो करा है, बाय नहीं, मतलब कि वो लड़की अभी भी अंदर होगी। और गार्ड की ये बात सुनकर सब लोग अंदर जाकर उस फ्रीजर को खोलते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। तो भाई उस आर्टिकल के हिसाब से रियल स्टोरी कुछ ऐसी है। उस लड़की का रियल नाम हमें उस आर्टिकल में नहीं मिला। तो भाई हाँ, डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत स्कैरी है, और बिल्कुल हमें जानवी की एक्टिंग इस ट्रेलर में तो सही लग रही है। अब देखना है कि मूवी में क्या होगा। तो गाइस, आपकी इस मूवी से क्या उम्मीद है ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।